ऊर्जा की जो बात हुई थी है ना, इसमें लास्ट एक ही लिंक जोड़ना मुझे आवश्यक लगा। इसमें एक लिंक जोड़ना जैसे लग रहा है मुझे कि व्यापक का अपने में अनुभव होना है ना, या व्यापक अनुभव में आना, ये एक बात। ऊर्जा के बारे में अध्ययन विधि से आता है, व्यापक वस्तु में संपूर्ण वस्तु है, व्यापक पारगामी पारदर्शी वस्तु में, व्यापक वस्तु में संपर्क, संपर्क होने का मतलब है व्यापक वस्तु में डूबे हैं, घिरे हैं, भिगे हुए तीनों चीजों ने पर संपर्क। ये इसके बारे में अपने में साक्षात्कार होना, साक्षात्कार होने से व्यापक वस्तु का भी ज्ञान हुआ है ना, ज्ञान अनुभव में आना है ये समझ में आ गया है अध्ययन से। और जो है ना हर वस्तु जो है ना साम्य ऊर्जा में ऊर्जा संपन्न है, ये परगामी होने के आधार पर। उसका दूसरा प्रमाण है पारदर्शी है, परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियां होने पर ही एक दूसरे को पहचानना होता है, एक दूसरे के लिए दृश्य होना आवश्यक, एक का जो मर्यादा है एक दूसरे के बीच में निश्चित अच्छी दूरी होना, एक दूसरे का पहचान होना, तभी हो पाता है। ये दोनों प्रमाणों से क्या चीज, निश्चित अच्छे दूरी होना, पहचान होना, इसके आधार पर जो पारगामी होना समझ में आता है। पारगामी होने का प्रमाण में हर वस्तु ऊर्जा संपन्न होना, क्रियाशील होना प्रमाणित है, क्रियाशीलता ही कुल मिलाकर के श्रमगति परिणाम के रूप में व्याख्यायित होना स्पष्ट है। श्रमगति परिणाम क्यों पूछा तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के लिए है। ये आ गए, यहाँ तक आ गए। उसके बाद गठन पूर्णता क्या होता है, परमाणु में होता है, यहाँ आ गए। उसके बाद जीवन पद गठन पूर्णता पूर्वक स्थापित हुए, ये भी समझ में आ जाती है। उसके आधार पर जो इसमें जो मानव में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता शेष है, ये भी समझ में आती है। इस ढंग से आचरण क्रियापूर्णता के लिए प्रयत्न हो सकता है, समझदारी से हम सर्वतोमुखी समाधान रूप में क्रियापूर्णता को प्रमाणित करते हैं। तो और अखंड समाज में प्रमाणित करना बंद कर जाता है, ठीक है ना। परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बंद जाता है, सहस्तित्व को प्रमाणित करना व्यवस्था में होता है, सार्वभौम व्यवस्था में। वो उसके लिए प्रयत्न, अभी जो अपन शिक्षा व्यवस्था सब सोच रहे हैं उसी के लिए, ठीक है। तो व्यापक स्वयं में ऊर्जा है ना, ये अनुभव में आता है कि इसको व्यापक में अनुभव के पश्चात हम इसको मतलब तर्क से जोड़ते हैं। वही तो बात है ना, मतलब अभी क्या बोला है, अनुभव के लिए अध्ययन, अध्ययन में साक्षात्कार में संभावना हो गई अनुभव की, संभाव अनुभव के बाद प्रमाण, अनुभव के बाद प्रमाण, प्रमाण जो है ना अनुभव मूलक ही होगा, ठीक है, दूसरा कुछ होगा ना। हाँ हाँ, अनुभव मूलक ही होगा। अनुभव होने से ही ये जो भाग है ऊर्जा, साम्य ऊर्जा है, ये सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त होने के फलस्वरूप ही सभी क्रियाशील हैं, और मानव जो है ना ज्ञान पूर्वक क्रियाशील है या इच्छा पूर्वक क्रियाशील है, क्या सुना, मानव ज्ञान पूर्वक क्रियाशील है या इच्छा पूर्वक है, इच्छा पूर्वक होने से साढ़े चार क्रिया में रह जाता है। ओ, इच्छा पूर्वक क्रियाशील होने से मानव चेतना में जीना बनता है, और वही चीज अनुभव मूलक विधि से इच्छा पूर्वक जीने में दसों क्रियाएं स्पष्ट हो जाते हैं। इतनी ही बात, इन सब बातों को ज्ञान स्वयं में वह ऊर्जा स्वरूप है, मतलब ये अनुभव में ही आता है कि व्यापक वस्तु स्वयं में ऊर्जा है। मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त है, मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त है।
मनुष्य तो प्रकृति को जो है ना नियम नियंत्रण संतुलन रूप में प्राप्त। बोलिए सर, इसमें किसको क्या तकलीफ? इसमें नियम नियंत्रण संतुलन रूप में ये बात दृष्टिगोचर है, ये ज्ञान गोचर है। मानव में ज्ञान ज्ञान रूप में प्राप्त है, ये ज्ञान गोचर ऐसे ऐसे बात। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। निष्कर्ष निकालने में व्यवस्था में जीना हो जाता है। व्यवस्था में जीने से मानव चेतना प्रमाणित होती है पहले, ठीक है। उसके बाद देव चेतना, उससे श्रेष्ठ रूप में, उससे श्रेष्ठ रूप में दिव्य चेतना प्रमाणित होती है। इतने ज्ञान जो है ना मानव चेतना में, मानव चेतना में जीने के साथ ही ज्ञान संपन्नता शुरुआत होती। संज्ञान येता में समय द्राय नियंत्रित होते हैं सिद्धांत है ना, वो प्रमाणित होना शुरू किया। फलस्वरूप समय द्राय के आधार पर ये ईष्णाएं है, ठीक है। धीरे धीरे इसके वरीयता चेंज होने लगी, प्राथमिकताएं चेंज होकर के उपकार प्राथमिकता में प्रमाणित विषय प्रमाणित करने की विधि में। जैसे अरे यार वो उसको इधर करो, यहाँ व्हाट्सएप को वर्षा उसमें और डाल के चले गए, इधर रखती है थोड़ा सा इधर पीछे। हाँ बस बहुत अच्छे ढंग से अपन अरेंजमेंट दे सकते हैं। अभी के समय हमारे में जो भी क्रिया है, मुझ में जो क्रिया है, ये मतलब स्थूल क्रिया से भिन्न है, ये पता लगता है ना पहले। हाँ स्थूल क्रिया भी है। हाँ स्थूल क्रिया से भिन्न है ज्ञान, ये पता लगता है। ज्ञान से ध्यान का जो ज्ञान का स्वरूप है स्पष्ट है, सअस्तित्व समझ में आना, उसका प्रयोजन समझ में आना, क्यों कैसे का उत्तर होना, सअस्तित्व क्यों कैसा, ये दोनों समझ में आना, ठीक है ना। जीवन समझ में आना, जीवन क्यों है कैसा है ये समझ में आना। मानवतापूर्ण आचरण क्यों है, क्यों जरूरत कैसा होगा, ये दोनों समझ में, ये दोनों आने से अनुभव जो है ना व्यवहार में प्रमाणित होने का रास्ता बन गए मानवतापूर्ण आचरण में, ठीक है ना। अभी के स्थिति में दिखता है कि मेरी स्वयं की जो आइडेंटिटी है ना, ये शरीर से बहुत चिपका हुआ है। वही तो शरीर के ज्ञान ही तो अभी तक अध्ययन में है। धीरे हो गए चेंज कर दिए। हाँ बाबा एक आराम से। हाँ ये अब ठीक हो। चार्ज हो गए। चार्ज हो गए। आ गई सुबह सुबह आ गई। आ गई बेटा आ गई, खूब खुश जल्दी उठे। तो 15 मिनट है। हाँ ये जो अभी तक समझ में आया है शरीर और जीवन का थे। हाँ शरीर क्यों है, शरीर रचना क्यों है, उसका उत्तर मिल गया। हाँ तो जीवन सहज जागृति प्रमाणित होने के लिए कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता व्यक्त होने योग्य। कल्पना में पहले आएगी जागृति। क्या हुआ बाबा? एक मिनट थोड़ा ध्यान आएगा बाबा, बहुत अंधेरा है। तो ये हाँ हाँ बंद हो गया।
अपने आप से ठीक है। ध्वनि जो है ना, ना ना बंद कर दे, बंद कर दे, ध्वनि न आने के लिए बंद किए। ये जो आप अभी बता रहे थे उसको फिर करेंगे। हम ये बता रहे थे जो कुछ भी मनुष्य में जो बात है, मनुष्य का शरीर और जीवन, जीवन क्यों कैसा, शरीर क्यों कैसा, इसका ज्ञान अध्ययन से आता है। शरीर जो है ना, इसीलिए मानव परंपरा में ही ज्ञान का परंपरा, ज्ञान परंपरा, ये ज्ञान अवस्था की इकाई मानव, ठीक है। उसका पहला परिचय क्या है, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। दूसरा पहचान क्या है, मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को प्रमाणित करना, जिसमें से मनाकार को साकार करना प्रमाणित हो गई है और मनस्वस्थता प्रमाणित करना शेष, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता मानव को खुद को है, नीति सहज व्यवस्था। नीति सहज का मतलब है सहस्तित्व सहज व्यवस्था। इसी प्रकार के जीव संसार क्यों है, क्योंकि मानव संसार प्रकट होने के पहले जीव संसार की आवश्यकता था। मानव प्राण कोशाओं में मानव शरीर रचना करते 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 और श्रेष्ठता का स्वीकृति होते होते, श्रेष्ठ रचना का स्वीकृति होते होते मानव शरीर रचना कर दिए, कैसे प्राण कोश है, ठीक है ना, ये क्या पता चला। उसके बाद जो है ना, अस्तित्व में विकास क्रम, विकास के घाट में परमाणु में गठन पूर्णता होना समझ में आया। ये कई के लिए क्या मैंने अपने आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए जीवन जीवन स्वरूप बना, और जीवन स्वरूप बनने से ज्ञानावस्था होने से मनुष्य तो प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक कार्य व्यवहार करने की योग्यता आ गई। मानव के साथ न्याय धर्म सत्य पूर्वक कार्य व्यवहार करने की व्यवस्था, मानव के साथ न्याय पूर्वक न्याय धर्म सत्य पूर्वक जो कार्य व्यवहार करता है उसी में ही अनुभव मूलक अभिव्यक्ति, अनुभव गामी अध्ययन दोनों प्रमाणित हो गए। इतने ही तो बस, बहुत साधारण है ना ये, मतलब मैंने हर व्यक्ति समझने योग्य है ना, साधारण समझ, का मतलब। हाँ, समझने योग्य तो है, मतलब जीवन का या मेरा जो अस्तित्व है ये शरीर से भिन्न है, ये बोध में ही आएगा, मतलब समझ में। जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में अनुभव मूलक अध्ययन, अनुभव गामी अध्ययन, अनुभव मूलक विधि से अध्यापन शुरू होता है, वो तो आज शुरू हुआ, ठीक है। हाँ, तो इसी क्रम में, मतलब अध्ययन क्रम में ही, अध्ययन में ही बोध में ही समझ में आएगा। हाँ, कि मेरा जो होना है पूरा जीवन भी समझ में आएगा, शरीर भी समझ में आएगा, मानवेतर प्रकृति भी समझ में आएगा, एक दूसरे के लिए उपकार उपयोगिता पूरकता विधि से कैसा प्रमाण है वो भी समझ में आएगा। ऐसा जीने जाता है मानव जो है ना, मनुष्य प्रकृति के साथ पूरा कर उपयोगी होना जरूरी है, वो भी मनाकार को साकार करने तक में प्रमाणित नहीं हुआ, मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में इसकी आवश्यकता आ चुकी है।